एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी और लेकर आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए बाहुबली का एक और शानदार प्रोडक्ट। आज मेरे साथ है बाहुबली का लोडर। अगर आपको करनी है ज्यादा कमाई, साथ ही साथ एक ऐसा प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो जिसे दिन भर चलाओ, अच्छी खासी कमाई करो, ज्यादा से ज्यादा बचत करो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हो जाए, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बाहुबली के ई लोडर के बारे में। अब बाहुबली के लोडर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डाले के बारे में, क्योंकि वैसे तो बाहुबली के जो ई रिक्शा हैं वो सभी मजबूत होते हैं और साथ ही साथ ड्राइवर की और पैसेंजर की नीड को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अब चूंकि ये एक लोडर है तो इसमें इसकी बनती है वेट कैपेसिटी, आप लोगों को बताना। तो यहाँ पर ये 800 kg तक की वेट कैपेसिटी बड़े आराम से कैरी कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो पेंट आप देख रहे हो वो एडी कोटिंग पेंट आपको मिल जाता है और मजबूती तो आपको बाहुबली के ई-रिक्शा हो या फिर लोडर हो सब में मिलने ही वाली है। और ये जो डाला आप देख रहे हो ये 6x4 का डाला है, यानी 6 फिट आपका ऐसे है और 4 फिट आपका ऐसे है। इस डाले की एक और खास बात है, एज अ लोडर जब भी आप इसे इस्तेमाल करोगे तो काफी ज्यादा सामान हम इसके अंदर रखते हैं और वो काफी ज्यादा सामान बाहर भी निकालते हैं, तो जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जो सरफेस है, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पर आप जब भी बाहुबली का लोडर परचेज करोगे आपको एक मैट प्रोवाइड कराती है, जो की काफी अच्छी क्वालिटी की मैट होती है। फिलहाल अभी डायरेक्टली मैं फैक्ट्री से यहाँ पर लेकर आई हूँ तो इसमें वो मैट नहीं है, लेकिन उस मैट के जरिए आपका जो डाला है वो स्क्रैच खाने से बच जाता है। अब अगर डिजाइन की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो डिजाइन आपको फ्रंट एंड डिजाइन मिलने वाला है, वो जो बाहुबली के इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं सेम उनकी तरह यहाँ पर आपको डिजाइन मिल जाता है। बैठकर आप लोगों को एक बार मैं दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, काफी वाइड आपको विंडस्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं ताकि आप पीछे का बड़े आराम से देख सको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आप विंडस्क्रीन के आउटसाइड देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है IR व्यू ताकि पीछे का जो व्यू है आपका वो बिल्कुल क्लियर रहे। और स्पेस आप देखो, आपकी जो पोजिशन है वो कुछ ऐसी रहने वाली है, यानी आप कितना भी लंबा ट्रैवल करोगे, आपको ट्रैवल करने में जब आप 800 kg का सामान लेकर कहीं भी उस सामान को छोड़ने जाओगे या उस सामान के साथ ट्रैवल करोगे तो आपको भारीपन नहीं लगेगा, आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा बैठते हुए या चलाते हुए, क्योंकि इसकी सीट की जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, बैक सपोर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ दो लोगों को आप यहाँ पर बैठाकर भी लेकर जा सकते हो। और यहाँ पर आपको दिया गया है बोतल होल्डर, एक साइड आपको बोतल होल्डर दे दिया गया है, यानी आप जो अपनी वाटर बॉटल है वो यहाँ पर कैरी कर सकते हो। चाबी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो आपको रिमोट की इसमें ऑफर की गई है, और जो रिमोट की है लॉक अनलॉक इग्निशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, बेसिक कीज भी इसके साथ मिल जाती है। अब मैं एक बार इसे ऑन कर देती हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हैंडल बार आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर पासिंग स्विच, लाइटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ हॉर्न आपको यहाँ पर दे दिया गया है। एक चीज अच्छी और लगी कि यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, यानी आप इस वाहन को चलाते चलाते अपना मोबाइल बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। और मोबाइल चार्ज करने के बाद रखना कहाँ है, यहाँ रखना है जहां पर मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ पर आप चार्जिंग पर लगाइए और यहाँ पॉकेट में बड़े आराम से डाल दीजिए। आप सोचेंगे आप इसका क्या यूज है, तो इसका काफी यूज है। जब आप लोडर लेकर जा रहे हो तो आपका वॉलेट है, आपका मोबाइल है, आपका चार्जर है, तो यहाँ पर कुछ पॉकेट्स दी गई हैं जिसमें आप अपना बेसिक सामान बड़े आराम से कैरी कर सकते हो। फिलहाल आप देखोगे इसमें एक जगह जो है दूसरी पॉकेट में इस लोडर के डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। साथ ही साथ हम वापस आते हैं इसके हैंडल बार पर, यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है जिसमें आप स्पीड देख सकते हो, कितने किलोमीटर चला हुआ है वो चेक कर सकते हो। फिलहाल ये 26-27 किलोमीटर के लगभग चला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हो, 48 वॉट बैटरी यहाँ पर आपको दिखा रहा है, और ग्रीन इसमें है आपके 6 सिग्नल, यानी अगर आपके पूरे सिग्नल ग्रीन है तो यानी बैटरी आपकी फुल चार्ज है। साथ ही साथ राइट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स दो स्विचेस आपको जाते हैं, और जब आप रिवर्स स्विच में इसे डालेंगे तो ये कुछ इस तरीके की आवाज करता है जो लगभग सभी इलेक्ट्रिक रिक्शा आपकी करते हैं। बाहुबली लोडर का जो डिजाइन है, वैसे ये जो ई रिक्शा का डिजाइन है उसी के सिमिलर रखा गया, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ऊपर स्टेपनी। जब ये ई रिक्शा आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक रिक्शा जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहुबली के, तो स्टेपनी पीछे की साइड होती है, लेकिन यहाँ पर स्टेपनी इसकी ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, क्योंकि डिजाइन का भी बाहुबली ध्यान रखता है और साथ ही साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। अब कैबिन
केबिन आप ये जो देख रहे हो अभी फिलहाल ये ओपन केबिन है, लेकिन जब आप बाहुबली का लोडर परचेज करोगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कराती है, और उसमें एक है यहाँ पर मिलने वाले कर्टेन। तीन साइड यहाँ पर आपको कर्टेन मिल जाते हैं, एक इस साइड मिलेगा, एक इस साइड मिलेगा और एक बैक साइड मिलेगा, ताकि आप इस टेम्परेचर में, गर्मी में, मानसून में, बारिश में, आंधी तूफान में अपने ई लोडर को कहीं पर भी लेकर जाए तो एटलीस्ट आप सेफ रहें। साथ ही साथ जो कर्टेन है उनकी एक खास बात और है कि वहां पर आपकी विजिबिलिटी का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो ये बाहुबली का ई लोडर मुझे देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ मैं रेंज की बात करूं तो रेंज भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। फिलहाल यहाँ पर आप डिजाइन देखोगे विंडशील्ड के चारों तरफ, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, यहाँ पर रबड़ पार्ट इतने अच्छे तरीके से फिट किया गया है ताकि बारिश की एक बूंद भी, धूल का एक कण भी अंदर ड्राइवर तक बिल्कुल ना पहुंच पाए। आपकी सेफ्टी का ध्यान बाहुबली पूरी तरह से रखता है। अब यहाँ पर आप सस्पेंशन देखेंगे तो इसके जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सस्पेंशन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। और व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रांडेड व्हील्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो टर्न इंडिकेटर है उन पर आपको जाली दी गई है ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे, भगवान न करे आपका वाहन कहीं लग जाए तो एटलीस्ट आपके वाहन के पार्ट्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। बैटरी देखेंगे यहाँ पर चार बैटरी रखी हुई हैं, और जब चार या पांच बैटरी हम लोग यूज करते हैं तो वो लेड एसिड में करते हैं। ये लेड एसिड बैटरी अभी इसमें यूज की गई है, और अगर लेड एसिड वाले बैटरी ऑप्शन के साथ आप जाते हैं तो वहां पर आपका जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं बैटरी को चार्ज करने में लेड एसिड ऑप्शन में। लेकिन अगर आप लिथियम आयन के साथ जाते हैं तो वहां पर आपको बैटरी ऑप्शन मिलता है, रेंज है वो आपको 120 किलोमीटर मिल जाती है, और लिथियम आयन बैटरी कम टाइम में चार्ज हो जाती है, 3 से 5 घंटे के अंदर आप बड़े आराम से लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर के आसपास जो डिमांड है वो लिथियम आयन बैटरी की ज्यादा है, तो कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है, आप लेड एसिड के साथ भी जा सकते हो, आप लिथियम आयन बैटरी के साथ भी जा सकते हो। मोटर की बात करेंगे तो मोटर कंट्रोलर इसमें 1500 वॉट के मिल जाते हैं, यानी मोटर ले लो, बैटरी ले लो, कंट्रोलर ले लो, यहाँ पर आपकी सारी जो चीजें हैं वो सेफ रहने वाली हैं बाहुबली के साथ। यहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए FM भी दे दी गई है। मोस्टली हमने देखा था ई रिक्शा में जो FM है वो आपको अपर साइड ऑफर की गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको FM यहाँ मिल जाती है, 2 स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और आपका जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक और लेग ब्रेक, वो दोनों आपको यहाँ दे दिया गया। अब ये जो सीट है, ये ड्राइवर सीट, आप सोच रहे होंगे कि स्पेस इसमें ड्राइवर के सामान के लिए कहीं भी नहीं है, तो स्पेस इसमें है। ये ड्राइवर सीट आपकी पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है, और यहाँ पर सीट के अंदर आप अपना सामान भी कैरी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आपका चार्जर रखा हुआ है, यहाँ पर आपका मैट है, फायर सिलेंडर है, जैक है, तो जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा एसेसरीज हैं, वो आपकी ड्राइवर सीट के नीचे बड़े आराम से मैनेज हो जाती हैं। फिलहाल इसे कर देते हैं बंद। अब बाहुबली के वाहनों की एक और खास बात है कि बाहुबली टैगलाइन देता है बाहुबली जो चले इंडिया की हर गली, और ये सच भी है। बाहुबली के वाहन आपको लोडर में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएंगे, पैसेंजर रिक्शा मिल जाएंगे, यानी हर सेगमेंट में बाहुबली फिलहाल मौजूद है इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर में। और अब जो ये लोडर आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी भी A1 है। तो अगर आपको भी बाहुबली का लोडर परचेज करना है या फिर आप बाहुबली की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप डायरेक्टली कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और बेस्ट डील ले सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और कैसा लगा बाहुबली का ये लोडर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ज्यादा कमाई करनी है, ज्यादा बचत करनी है, तो कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा।